बजट 2024 अनाउंसमेंट हो चुका है और इस बजट से किन स्टॉक्स को कितना बेनिफिट होने वाला है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि इनसे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, जिस भी सेक्टर में सबसे ज्यादा जो फंड राइजेस किया गया उन पर खास ध्यान दिया गया, उनसे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं आज उन सारे स्टॉक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, ताकि आपको भी मालूम चल सके कि आने वाले समय कौन से ऐसे स्टॉक है जो कि हमें मल्टी बैगर बनते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि हो सकता है 100-200% का रिटर्न दे दे 2024 के एंड तक। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे इन्वेस्टरों के लिए, वे इन्वेस्टर जो फ्रेश बाई करना चाहते हैं और जो पहले से होल्ड करके रखे हैं उनके लिए भी ये खास वीडियो देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। आप इसलिए तो हमारा चैनल देखते हैं कि ऐसे क्वालिटी कंटेंट वीडियो आपको कहीं और भी देखने को नहीं मिलते हैं, और इससे आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता है जिससे आप एक अच्छे स्टॉक चूज कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा सिगरेट के ऊपर। सिगरेट से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है उसके लिए एक अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि हर साल बजट में सिगरेट्स और जो टोबैको जैसी चीज होती है उन पर टैक्स लगता था, और इस बार भी एक्सपेक्टेड किया गया था कि इस बार फिर से टैक्स हाइक होगा, लेकिन इस बजट में कोई भी टैक्स हाइक नहीं हुआ सिगरेट कंपनीज में, और जो भी पहले जो टैक्स था वही हमें टैक्स लगता हुआ देखने को मिला है। तो इसलिए इस कंपनी से सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हुआ है इस बार का वो है ITC कंपनी। ITC दोस्तों में इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि उनका जो 80% जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है वो हमें सिगरेट से ही देखने को मिलता है, और उनका 45% ऑफ टोटल रेवेन्यू, जितने भी उनका टोटल रेवेन्यू बनते हैं ITC कंपनी का 45% उनका सिगरेट से बनता है। समझ सकते हैं दोस्तों कितने बड़े ड्राइवर हमें देखने को मिलते हैं, ITC कितने बड़े चालक है सिगरेट के। तो आने वाले समय में सिगरेट जैसे कंपनी के ऊपर अगर टैक्स हाइक नहीं हुआ है तो ITC लिमिटेड आने वाले समय में 1000 को टच कर सकता है 2024 के एंड में, क्योंकि कितना यूजेज होता है सिगरेट का आपको अच्छे से मालूम है, और इसका असर हमने आपको बजट के दिन ही देखने को मिला, लगभग 6.5% तक तो ये देखने को मिला था, और आज के दिन भी हमें थोड़ी बहुत उछाल देखने को मिली थी। अब बात करते हैं अपनी दूसरी टॉपिक के ऊपर। जितने भी गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम से बनने वाली ज्वेलरी सब है और उनसे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनको काफी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उनके ऊपर जो टैक्स लगता था ड्यूटी टैक्स वो उसमें हमें काफी ज्यादा कट करता हुआ देखने को मिला, या कहे उसमें काफी ज्यादा हमें कटौती होती हुई देखने को मिली है इससे बजट 2024 में। कितना अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ पे आप गौर करेंगे तो इम्पोर्ट ड्यूटी जो होता है गोल्ड का और सिल्वर का उसमें लगभग 6% तक डाउन जाता हुआ देखने को मिला है, जो कि पहले 15% देखने को मिलता था। अगर बात कर लेंगे प्लैटिनम इंपोर्ट में तो उसमें लगभग अगर हम देखेंगे तो 6.4% हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पहले 15.4% देखने को मिल रहा था। तो इतनी बड़ी ड्यूटी कट किया गया है, तो ऐसे कह सकते हैं जो उनको बनाने में, जो भी इनको इम्पोर्ट करने में जो बेनिफिट हो, जो थोड़ा लॉस बहुत होता था, टैक्स ज्यादा देना पड़ता था, अब उन्हें कम देना पड़ेगा और उनको जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा। और इनसे रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, जैसे सबसे बड़े हमें जो देखने को मिलते हैं वो है टाइटन कंपनी लिमिटेड, जो कि उस दिन हमें बजट के दिन काफी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। जैसे कल्याण ज्वेलर्स हुए 5% की तेजी देखने को मिला था, और आपके हैं टाइटन कंपनी लिमिटेड हुए हैं, राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड हुआ, सेनको गोल्ड लिमिटेड, ऐसे और जो जो ये जितने भी नाम मैंने बताया ये टॉप मोस्ट कंपनीज है गोल्ड से रिलेटेड, और इन सारे स्टॉक्स में हमें काफी बेहतरीन हमें ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिली बजट के दिन, और आज भी हमें थोड़ा अच्छा खासा इनमें देखने को मिला। स्पेशली अगर कल्याण ज्वेलर्स में देखेंगे तो हमें अच्छा एक ट्रेडिंग सेशन आज के दिन भी देखने को मिला था। तो ये थी हमारी दूसरी टॉपिक ज्वेलरीज से रिलेटेड, जितने भी गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम से जो ज्वेलरी बनते हैं उन पर ड्यूटी कट किया गया है। अब हम बात करने वाले अपने तीसरे टॉपिक के ऊपर। हमारा तीसरा टॉपिक है फिश फीड्स के ऊपर। इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण ने काफी ज्यादा ध्यान दिया है फिश प्रोडक्शन के मामले में, और हम लोग जानते हैं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है फिश प्रोड्यूसिंग के मामले में, जो कि USA और चाइना के बाद देखने को मिलता है, और इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कस्टम ड्यूटी पे काफी बड़ी कटौती की है, जिससे फिश फीड से जितने भी रिलेटेड शेयर्स हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं इस बार। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि इस बार की जो कटौती किया गया है उनसे कितने बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जो उनको बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो हमारा जो स्टॉक्स होगा वो होगा अवंती फीड्स,
फिर एपेक्स फॉरेजन, कोस्टल कॉर्प, वाटर बेस, जील एक्वा, ऐसे बहुत सारी कंपनी है, लेकिन मैंने आपके सामने टॉप कंपनी के नाम रखे हैं और इनको काफी ज्यादा बेहतरीन हमें प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। ये अगले क्वार्टर में भी जब रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा तो ऐसे जितने भी प्रॉफिट होंगे हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये जितने भी डाटा है दोस्तों, जितने भी टैक्सेस है जो लग रहे हैं, वो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, इस अगले क्वार्टर में तो हमें बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, जो दिसंबर के जो क्वार्टर्स होंगे उसमें हमें बेनिफिट मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। हमारा फोर्थ टॉपिक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इस बार के बजट में एग्रीकल्चर पे काफी ज्यादा ध्यान दिया गया और लगभग 1.5 लाख करोड़ का फंड राइजेस किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर के रिलेटेड। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जितने भी स्टॉक्स देखने को मिलते हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और हम जानते हैं दोस्तों, अगर उन स्टॉक्स के बारे में जाने तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है अवंती फीड्स, जो कि हमें फिश फीड्स के में भी देखने को मिल रहे हैं और एग्रीकल्चर में भी देखने को मिल रहे हैं, तो इन दोनों में ही इनको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला। तो टॉप मोस्ट स्टॉक जो होगा हमारा अवंती फीड्स होगा। उसके बाद बहुत से ऐसे स्टॉक्स जैसे एग्रीटेक है, श्री गणेश बायो, ट्रांस केमिकल, डायना टी, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है दोस्तों जिनसे इनको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब हम बात करने वाले अपने अगले टॉपिक के ऊपर। उससे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं जिसको डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है एग्रीकल्चर से, तो उसके बारे में तो हमने बात कर लिया। जिसको इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा, जैसे महिंद्रा है, महिंद्रा के हमें ट्रैक्टर चलते हुए देखने को मिलते हैं, तो उनको भी बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड। क्योंकि अगर उसके लिए फंड राइजेस किया गया तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है ट्रैक्टर का ही हमें देखने को मिलता है। और जितने भी ट्रैक्टर आते हैं लगभग अगर आप देखोगे तो महिंद्रा है महिंद्रा का ही हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। तो एक तरह से हम कहेंगे इनडायरेक्टली इनको भी काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इस बार टैक्स बढ़ाया गया, काफी दिनों के बाद हमें टैक्स बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चाहे आप डिलीवरी की बात कर लो, शॉर्ट टर्म डिलीवरी चाहे लॉन्ग टर्म डिलीवरी, दोनों में ही हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और साथ ही साथ दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में भी हमें टैक्सेस बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो इससे उन सारे स्टॉक, जितने भी स्टॉक ब्रोकिंग स्टॉक्स है, उनको बेनिफिट कैसे होगा? उनके लिए तो ये बुरी खबर देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक खबर बता दूं, आज से एक महीना पहले लगभग अगर देखोगे तो पूरे मार्केट में ये हवा बना हुआ था कि 30% टैक्स लगने वाला है फ्यूचर एंड ऑप्शन पे। जितने भी इन्वेस्टिंग है उसको एज अ, जैसे क्रिप्टो करेंसी के साथ जैसे हुआ, काफी बड़ी टैक्स इम्पोज किया गया जिसके कारण उसको लगभग देखेंगे तो खत्म ही हो गया है वो। वैसा ही हाल कुछ होने वाला था स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा था, एज ए लॉटरी के तरह से ट्रीट किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कही जा रही थी जिससे भारी गिरावट आई थी स्टॉक ब्रोकिंग में, जितने भी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं। लेकिन दोस्तों इस बार जो टैक्स इम्पोज किया गया, काफी बड़ी टैक्सेस हमें देखने को नहीं मिला, बहुत ही छोटे मोटा टैक्स है। और जो सबसे ज्यादा जो टैक्स लगाने का अनुमान था, क्योंकि दोस्तों जितने भी एंजल स्टॉक ब्रोकिंग जो देखने को मिलते हैं उनका जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है ना, वो ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग से देखने को मिलता है। और ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में मात्र 0.00 कुछ करके ही परसेंटेज हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है, वो भी इनके सिक्योरिटीज टैक्सेस में ही बढ़ी है। तो ऐसे कोई अदर से टैक्सेस नहीं लगा है, और हम कहेंगे जिस तरह से अनुमान लगाया गया था उसके अनुसार अगर आप देखोगे आज के, तो BSE में लगभग 8% तक तेजी आई है। ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे एंजल वन कल के दिन 5% तक उठा था। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों जिनके ऊपर काफी बड़ी तेजी देखने को मिला, मतलब वे लोग पूरी तरह से खुश हो गए जो ये एक्सपेक्टेड करके चल रहा था आदमी कि काफी बड़ी टैक्स लगेगा, पूरे मार्केट में ही गिरावट आ जाएगी, एक तरह से शेयर मार्केट को खत्म कर देने का ही बात चल रहा था। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ, फाइनली हमें एक कहे तो हमें एक गुड न्यूज ही सुनने को मिला, टैक्सेस बढ़ा है लेकिन 0.0 कुछ करके ही टैक्सेस देखने को मिल रही है। इनसे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, जैसे BSE जो कि हमें देखने को मिलते हैं, ICICI सिक्योरिटीज, एंजल वन, MCX इंडिया, शेयर इंडिया, चॉइस इंटरनेट, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैंने आपको टॉप कंपनी के नाम बताए हैं। इन सारे स्टॉक्स को आप अपने नजर में रख सकते हैं। तो आज मैंने टॉप 5 ऐसे सेक्टरों के ऊपर कवर अप किया जिनके ऊपर खासम खास ध्यान दिया गया है इस बजट के ऊपर। तो इन सारे स्टॉक्स से रिलेटेड जितने भी हमें सेक्टर देखने को मिल रहे हैं, आप उन पे खासम खास ध्यान दीजिएगा, और आने वाले समय में ये आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देने वाले हैं, क्योंकि काफी ज्यादा 2024 का बजट में हमें देखने को मिल रहा है इनके ऊपर ध्यान। तो आज के दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। ये वीडियो जो मैं जितने भी बातें मैंने बताई सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हमारा कोई भी राय नहीं है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा किनके पास कौन से शेयर है, कितने प्राइसेस पे।
ताकि हमें मालूम चल सके कि क्या आपको होल्ड करना चाहिए, कि आपको आगे बने रहना चाहिए, यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हमारे आपको जो भी प्रॉब्लम है हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमारा और हमारी टीम मिलकर आपकी पूरी तरह सहायता की जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।